हे गाइस, ये कर्फ्यू का सेकंड पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे डाकू हलकान सिंह कूड़े पर पड़े उस बच्चे की मदद से अपनी जान बचाई थी, और अब मुंबई के चप्पे चप्पे पर लगे उन पोस्टरों ने दहशत फैला दी है। क्या लिखा है उन पोस्टरों पर, चलिए देखते हैं। पर मंत्री हलकान सिंह को धमकी दी गई है कि कल 2 बजे हलकान सिंह को गोली मार देगा वो। इस धमकी से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हिल जाता है। तब मंत्री हलकान सिंह कमिश्नर से बात करके अपने निवास स्थल पर कर्फ्यू लगवा देता है और आदेश देता है कि 2 बजे के बाद कोई भी पुलिस वाला कर्फ्यूग्रस्त इलाके में नहीं दिखना चाहिए। अगले दिन कर्फ्यू के ऐलान ने सनसनी फैला दी। सचमुच आधे घंटे में ही पूरा इलाके में कर्फ्यू लग गया। ठीक 2:15 बजे चप्पा चप्पा वीरान हो गया। अगले ही मिनट कर्फ्यूग्रस्त इलाके में हर जगह दिखने लगे ब्लैक कैट कमांडोस, जिनको ऑर्डर था कि कोई परिंदा भी दिखे तो उसको भी गोलियों से भून डालो। और वो जिसकी रगों में लहू की जगह बह रहा हो बारूद, जिसके सीने में सुलग रहा हो लावा, जिसके जिस्म में हो फौलाद और जिसके हाथ में हो न्याय की चाबुक, दुनिया के किसी कारखाने में नहीं बनी वो गोली जो उस जिस्म के लोहे को काट सके। 25वीं मंजिल से कूद गया वो, मगर पांव जमीन से जा लगे उस जलजले के। सही सलामत ही उतर आया था वो खौफनाक सन्नाटे में। कदमों की आवाज के ही नहीं, बल्कि खुद उसने भी उछाल दिया गश्त करते हुए ब्लैक कैट कमांडोज को। न्याय की चाबुक का वार हुआ पहले। शोलों की बारिश, लाशों के ढेर लगा दिए उस रहस्य में बेरहम ने। एक क्षण के लिए भी बंद ना होने दी उसने शोलों की बारिश। दहल उठे थे इमारतों में बंद लोग, किसी की भी हिम्मत ना हो रही थी खिड़की से बाहर देखने की। दूर दूर तक गोलियों की आवाज गूंज रही थी, पर तूफान को भी कोई रोक सकता है। मंत्री हलकान सिंह के बंगले तक जा पहुंचा वह ज्वालामुखी। गार्डों के हरकत में आने से पहले ही सरसराता हुआ गोला आकर मेन गेट के चीथड़े उड़ाता चला गया। इमारत में उल्लू बोल रहे थे। मंत्री हलकान सिंह पहले ही बंगला खाली कर चुके थे। बंगले के ठीक सामने पहुंचकर रुक गया वो। बमों की लड़ी को फेंक कर बड़े ही इत्मीनान के साथ वापस जाने के लिए पलट गया शैतान। जबरदस्त धूम धड़ाम के साथ बंगले के उड़ते परचक्खे देखने के लिए बड़ा तक नहीं कंबक। फिर ठीक उसी इमारत के नीचे आ खड़ा हुआ वो, जहां से मौत का ये छोटा सा सफर शुरू किया था उसने। और अगले ही पल गूंज उठी कई सायरनों की आवाजें। घिर गया था वो रहस्यमय शख्स। अचानक बड़ी तेजी से ऊपर उठता चला गया उसका जिस्म। जब तक गोलियां उसकी ओर लपकी, तब तक गोलियों की रेंज से बाहर निकल चुका था वो। लाशों की बारात लगाकर उड़ गया था वो। इंसान था या प्रेत? खोपड़ी घूम गई कमिश्नर की। चीख चीख कर बुरा हाल था कमिश्नर का। छत पर पहुंचकर देखा तो जा चुका था वो हेलीकॉप्टर से। तभी एक इंस्पेक्टर ने कमिश्नर को ट्रांसपेरेंट रस्सी का गुच्छा दिखाया, जिसकी मदद से वो 25वीं मंजिल तक पहुंचा था। तब चीखता हुआ आया लोहार सिंह। इससे पहले कि लोहार सिंह कुछ बोल पाता, शोला लपका और समा गया लोहार सिंह के सिर में। चीख पड़ा हलकान सिंह। हलकान सिंह की मान में घुसकर उसे ललकारने की हिम्मत कोई कीदड़ नहीं कर सकता। सामने आ, कौन शेर का बच्चा है? कौन हो तुम? हलकान सिंह ने पूछा। मुझे पहचानो हलकान सिंह, मुझे पहचानो। देखो, गौर से देखो इस सूरत को। कुत्ते से मिलती है ना ये? गंदगी पर मंडराते हुए कुत्तों के बीच से उठाया था ना तुमने उस कचरे के डब्बे को? पहचान गया था उसे हलकान सिंह। तू ही है वो कुत्ते का बच्चा। सुनते ही भयानक
हंसी हंसा डोगा। आखिर आ गए ना अपनी असलियत पर मंत्री हलकान सिंह उर्फ डाकू हलकान सिंह। बेहिसाब जुर्म किए हैं तुमने हलकान सिंह, आज सब कुछ तुम्हारी मौत के साथ चुकता कर दूंगा, डोगा ने कहा। तब हलकान सिंह ने बेल्ट पर लगी वह इकलौती गोली बाहर निकाल ली और रिवॉल्वर के चैम्बर में डाल दी। सीना तान कर खड़ा रहा डोगा, ट्रिगर दबा और समा गई गोली डोगा के सीने में, जबड़े भिज गए डोगा के। अब मेरी बारी है हलकान सिंह, कहते हुए पकड़ लिया डोगा ने हलकान सिंह का गला और कुत्ते की तरह बाहर निकल आई हलकान सिंह की जीभ। आओ आओ अदरक चाचा, देखो इस कमीने की लाश गिरा दी है मैंने, वो सब इस कमीने के साथी थे अदरक चाचा, जिन्हें मैंने अपनी गोलियों से मारा है, डोगा ने कहा। किंतु तूने उसे अपने सीने पे गोली क्यों चलाने दी मेरे बच्चे? ताकि उसने मुझे जीवन देकर जो एहसान किया था वह चुकता हो जाए। उसने मेरा खून बहाकर एहसान बराबर किया, मैंने उसका खून बहाकर कानून का हिसाब बराबर किया। गिरते हुए डोगा को अपनी बाहों में थाम लिया अदरक चाचा ने। और इस तरह से डोगा का फर्स्ट इशू कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट ये है डोगा, हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। तब तक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे जहां को, जहां हम कॉमिक्स को पढ़ते नहीं बल्कि उन्हें जीते हैं।